हेलो स्टूडेंट्स वी वर डूइंग आर थर्टीन लेसन दैट इज़ फन विद मैग्नेट। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंपास के बारे में पढ़ा था जो हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मेक योर ओन मैग्नेट कि हम जो है वो अपना मैगनेट कैसे बना सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं देयर आर सेवरल मैथड्स ऑफ मेकिंग मैगनेट लेटस्ट लर्न द सिम्पलेस्ट वन ठीक है ये बहुत सारे मेथड्स हैं मैगनेट्स बनाने के लेकिन हम जो है वो जो सिम्पलेस्ट वन है उसको लर्न करेंगे तो उसके लिए जो प्रोसीजर है वो आगे दिया है टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन प्लेस इट ऑन द टेबल नाउ टेक अ बार मैगनेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन दउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग देंथ ऑफ आयरन बार टिल यू रीच दया करना है पीस लेना है आयरन का लोहे का उसको टेबल पे रख देना है फिर एक बार मैग्नेट लेना है और उसके एक पोल को जो है वो आपने बार ऑफ जो आयरन है उसके साथ अटैच कर देना है फिर उसको लिफ्ट किए बगैर आपने जो है वो इस तरह से जैसे मान लो की नीचे आयरन बार है यहाँ पे आप ऐसे मैग्नेट रखिए एक पोल पे और इसको इस तरह से जो है वो आपने लेके जाना है जो मैग्नेट है उसको ऊपर नहीं उठाना है द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड बीथ टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन फिर से आपने वैसे ही रिपीट करना है बार बार उसको मूव द magnet again along the द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू before. बिफोर रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट थर्टी टू फोर्टी आपने उस प्रोसेस को जो है वो बार बार रिपीट करते रहना है थर्टी टू फोर्टी टाइम्स ब्रिंग अ pin और सम आयरन फीलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज बिकम अ magnet. फिर जब आप थर्टी फोर्टी टाइम्स जो है वो उसको रिपीट कर लेंगे तो आपने या या तो एक आयरन की पिन या आयरन फीलिंग जो है वो आयरन बार के पास लेके जानी है कि अगर वो मैग्नेट बन गया होगा तो वो आयरन की चीजों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ठीक है इफ नॉट अगर नहीं हो रहा है ऐसा कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम रिमेम्बर द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज अगर वो अट्रैक्ट uh, नहीं कर रहा है आयरन uh, की चीजों को इसका मतलब है कि अभी वो मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो फिर से आपने जो है वो उसी डायरेक्शन में उसको रिपीट करते रहना है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है और जो पोल है वो आपने सेम ही यूज करना है यू कैन ऑल्सो यूज एन आयरन नेल अ नीडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट तेम इन टू अ मैगनेट आप आयरन बार की जगह एक आयरन नेल नीडल या ब्लेड भी ले सकते हैं और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यू you नो know, हाउ टू मेक अ मैगनेट वुड यू लाइक टू मेक यूर ओन कम्पास अब आपको पता लग गया है कि हमने मैग्नेट कैसे बनाना है तो आप कम्पास आप बनाना चाहोगे तो आगे जो है वो कम्पास बताया है की आप कंपास जो है वो अपना कैसे बना सकते है मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट नाउ इन सर्व द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फोम लेट द कॉक फ्लोटिंग वॉटर इन अ बाउल और अ टब Make sure that the needle does not touch the water. Your compass is now ready to work. जैसे हमने पीछे आयरन बार उसकी जगह हमने needle लेनी है और needle को जो है वो मैग्नेट के ऊपर रब करके जो है वो उसको मैग्नेटाइज करना है मतलब उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाए फिर हमने क्या करना है उस मैग्नेटाइज नीडल को एक कॉर्क में या फोम में लगा देना है और उसको एक टब में डाल देना है जिसमें वाटर होगा ठीक है तो इस तरह से आपका कंपास जो है वो रेडी है मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट वेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग रोटेट द कॉक विद नीडल विद्स इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट वेन द कॉक टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग दस द नीडल ऑलवेज पॉइंट आउट इन सेम डायरेक्शन वेन द कॉक स्टॉप रोटेटिंग फिर आपने जो है वो उसकी डायरेक्शन को मान के जाना नॉर्थ साउथ और जब आप उसको रोटेट करोगे तो ये जो है वो हमें साइड डायरेक्शन का जो है वो पता बता देगी मतलब ये मैग्नेटाइज हो गई है तो ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगी ये रेस्ट करेगी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जैसे कि एज यूजल आप जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ठीक है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेवल बी प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ इच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द फ्रंट यहाँ पे साउथ आपने फ्रंट पे रखना है प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी नाउ द टू कार क्लोज टू वन अनदर व्हाट डू यू ऑब्जर्व दो कार्स हैं साउथ इसमें आपने साउथ का मुंह आगे करना है इसमें आपने नॉर्थ करना है जब आप एक दूसरे किसको नजदीक लाओगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे मीन्स जो डिफरेंट चार्जेस हैं अनलाइक जो पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे साउथ होता है यहाँ भी साउथ होता है यहाँ भी साउथ होता तो ये एक दूसरे को क्या करते रिपेल करते तो मेन चीज जो इसमें जो मेन चीज है वो यही है कि जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे मतलब जो डिफरेंट है वो अट्रैक्ट करेंगे जो सेम है वो रिपेल करेंगे ठीक है उसके बाद आपने नोट करनी है जैसे अभी यहाँ पे टेबल दिया है कि फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग फ्रंट ऑफ कार बी एन एस इसका मतलब यहां क्या होगी अट्रैक्शन उसके बाद है रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी अब रियर है इसका एन और बी का फ्रंट है एन 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 है तो इसमें क्या रहेगी रिपल्शन कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी अब कार ए जो है वो कार बी के पीछे है तो मतलब इसमें आएंगे हमारे एन और एन तो इसमें आएगी रिपल्शन रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए तो इसमें जो है वो डिफरेंट है तो इसमें रहेगी आपकी अट्रैक्शन ठीक है दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन टू द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट की इस मैग्नेट का यूज जो है मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा मैग्नेट दिए है जिसमें पोल्स नहीं दिए हैं तो हम उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि उसके पास लेके जाएंगे मैग्नेट को अगर अट्रैक्ट होगा तो मतलब वो सेम पोल्स आएंगे नॉर्थ नॉर्थ आएंगे अगर रिपेल करेंगे तो वो डिफरेंट होंगे ठीक है उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अ फ्यू कॉशन्स मतलब कुछ सावधानियां मैग्नेट्स लूज देअर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटर्ड हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट जो मैग्नेट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं जब उनको हीट गर्म किया जाता है हथौड़े से मारा जाता है या कुछ हाइट से गिराया जाता है ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली और मैगनेट फिर भी वीक पड़ जाते हैं अगर हम उनको ढंग से नहीं स्टोर करते हैं टू कीप दफ बार मैग्नेट शुड बी कैप्ट इन पेयर विदलाइक पोल्स ऑफ द सेम साइड उनको जो है वो पेयर्स में रखना चाहिए मैग्नेट्स को और उनके जो अनलाइक पोल्स है वो एक सर्फ आने चाहिए एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस यर एंड उनको जो है वो वुड से भी हम एक पीस ऑफ वुड जिसके बीच में रख सकते हैं या उनके जो एंड है उसके दो पीसीज ऑफ सॉफ्ट आयरन भी रख सकते हैं फॉर हॉर्श शू मैगनेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस दोल अगर हमने हॉर्शू मैग्नेट को प्रिजर्व करना है तो उसको क्या करेंगे हम उसके पोल्स पे जो है वो पीस ऑफ आयरन रख देंगे कीप मैगनेट अवे फ्रॉम कैसेट मोबाइल टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम सीडीज एंड कम्प्यूटर की जो भी हमारे मैग्नेट्स है उनको कैसेट मोबाइल टेलीविजन म्यूजिक सिस्टम सीडीज और कम्प्यूटर से हमें दूर रखना है नहीं तो वो अपनी जो प्रोपर्टी है उसको वो खो देते हैं ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है बाकी इसके एक्सरसाइज बचती है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना जो नेक्स्ट लेसन है चैप्टर नंबर फोर्टीन दैट तो इज अ वाटर जो है वो स्टार्ट करेंगे तो आपने इस चैप्टर को जो है वो रिवाइज कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है और जो भी इसकी एक्टिविटीज है वो भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे थैंक यू